लोकतांत्रिक प्रणाली की बात कर रहे थे संजीव, और लोकतंत्र जो है वो विरासत, समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व पर जोर देती है। और यहां पर सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं, इस ऐतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं, देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह, और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, एक बार फिर नई उम्मीद के साथ। शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करिए। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार।